नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, इस समय लगातार तैयारियों का दौर जारी है। जहां एक तरफ विपक्ष अपने आप को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में भी लगातार तैयारियों का दौर जारी है। भाई, दौर तो जारी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ निकाय चुनाव भी है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के अतिरिक्त अगले साल महत्वपूर्ण चुनाव, यानी कि भाजपा सरकार की हैट्रिक या फिर दूसरी परंपरा की शुरुआत। खैर, होगा क्या वो तो भविष्य के गर्भ में निहित है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि तैयारियों का दौर इस कदर जारी हो चुका है कि लगातार यहाँ पर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है, रणनीति शुरू हो चुकी है, और बीजेपी की तर्ज पर चलते हुए यहाँ पर विपक्षी दल भी लगातार अपनी सक्रियता को बनाए रखना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी में जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की नई टीम का ऐलान जल्दी होने वाला है और नए संगठन मंत्री यानी धर्मपाल सिंह भी यहां पर अपनी आजमाइश करते नजर आएंगे, क्योंकि निकाय चुनाव भी है और निश्चित निकाय चुनाव भी यहाँ महत्वपूर्ण चुनावों में से एक रहेगा। उत्तर प्रदेश के लिए वास्तव में निकाय चुनाव की महत्वपूर्ण इसलिए आवश्यक है क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही केंद्र की जो है वो कुर्सी का रास्ता है, और अगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया तो आने वाले समय में भी ये संजीवनी के रूप में काम करेगा। हालांकि 80 सीट का दावा बीजेपी के कई मंत्री और कई पदाधिकारी कर चुके हैं कि 80 सीट इस बार हम जीतने वाले हैं। खैर, 80 सीट जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, पर निश्चित रूप से जिस तरह से बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, एक बात तो स्पष्ट है कि रणनीति मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। और इसी रणनीति के कहा जा रहा है कि जो प्रदेश के मंडल है, सभी मंडलों में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम भी शुरू होगा। आधी आबादी यानी महिला वर्ग को अपने तरफ लुभाने के लिए, अपने पाले में करने के लिए भी जंग शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं जो पुराने बिछड़े हुए हैं उनको एक साथ करने की कवायद भी शुरू होगी। हालांकि ऐसी कवायद समाजवादी पार्टी में भी शुरू होने वाली है, और सूत्र के मुताबिक यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी अपने चाचा यानी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव को चुपचाप से जरूर बताया है कि अब पुराने लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू करिए, क्योंकि उनके बिना मजबूती नहीं आएगी। पहले अलग थे, बाद में एकजुट हुए और एकजुट का परिणाम हम मैनपुरी और खतौली में देख चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जो कि 17 से 19 मार्च तक कोलकाता में होने वाली है, जिसको लेकर भी आज अखिलेश यादव यानी सपा प्रमुख ने बैठक रखी, पदाधिकारी को बुलाया और रणनीति बनाई कि किस तरह काम करना है। कांग्रेस पार्टी भी अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है, हालांकि तमाम तरह के प्रश्न उसके अब भी सामने हैं कि यहाँ पर नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि बिजल खाबी की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ा अनुभव नहीं है और दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में आए हैं और कैसे यहाँ पर बेहतर काम करते नजर आएंगे अपने आप में भी बड़ा प्रश्न है। तो वही अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो फिलहाल मनीष सिसोदिया वाला मामला, सतेंजन वाला मामला उनके लिए एक टेढ़ी खीर बना हुआ है। फिर भी चूंकि निकाय चुनाव में पहले अच्छा प्रदर्शन किया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद उनको भी रहेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में कोई चमत्कार नहीं दिखा पाए, चाहे मुफ्त की बिजली की बात करें या मुफ्त के तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, पर यहाँ पर लाभ नहीं आम आदमी पार्टी को मिला था। पर एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से विपक्ष की भूमिका है, भले ही विपक्ष की भूमिका में सीट ना हो, पर भूमिका जरूर निर्वाह करती रही और समय समय पर यहाँ पर आंदोलन के माध्यम से यहाँ पर लोगों को जोड़ने की कवायद भी आम आदमी पार्टी में लगातार चल रही है। दो राज्यों में सरकार, इसके अलावा गुजरात में जिस तरह से 13% वोट लेकर सनसनी फैलाते हुए आगे बढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव और 24 का आम चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर संदेश लेके आ सकता है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विपक्ष की एकजुटता को यहां पर कौन सजोएगा, क्योंकि समय समय पर तमाम तरह के बयान आते रहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें या कांग्रेस के राहुल गांधी की बात करें। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने अपनी छवि भी सुधारी और एक नया राहुल जनता के सामने भी आया, पर नया राहुल जनता के सामने आने से अलग यहाँ पर राजनीति किस तरह आगे बढ़ेगी, राजनीति में किस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और किस तरह से 24 चुनाव के लिए यहाँ पर रणनीति बनाएंगे और चुनौती देंगे उस भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लगभग 10 साल से आप सत्ता में बैठी हुई है। हैट्रिक बनेगी या यहाँ पर बदलाव होगा, महत्वपूर्ण चर्चा वैसे मेहमान जो रूबरू करा दूँ। प्रवक्ता भाजपा से शमसी अजहर भाई पक्ष रखेंगे, मोहम्मद इखलाक समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, बिरोज सिंह कांग्रेस के फॉरवर्ड प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे तरुणमा श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे और राजनीतिक विशेषज्ञ में दिलीप यादव भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, प्रवक्ता
भाजपा से, समझी भाई? कैसे देखेंगे यहाँ पर, हालांकि आपके सभी मंडलों में बूथ स्तर तक कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, नई टीम भी यहाँ मिलने वाली है, ऐलान भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार चुनावी मोड में रहने वाली जो एक आपकी स्ट्रेंथ है वो भी आगे काम आएगी। पर जिस तरह से यहाँ पर विपक्षी दल भी यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं, क्या चुनौती बनने वाले हैं आपके लिए? बैठे सभी हमारे साथियों को होली की शुभकामना और शबे बारात की हार्दिक बधाई के साथ। धन्यवाद आपका, धन्यवाद कि आपने आज के मुद्दे में हम लोगों को अपना गेस्ट बनाया और अपनी पार्टी की बातों को रखने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। आपका चैनल जिस तरीके से जनता के मुद्दों को उठा रहा है, धीरे धीरे जनता में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। हम लोगों की शुभकामना भी है आपके चैनल पर, हम लोगों को मौका देते रहते हैं जी अपनी बात और अपनी पार्टी की बात जनता तक पहुँचाने के लिए। और जनता भी आपके चैनल को इस वजह से लाइक करती है क्योंकि जनता के मुद्दों को आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं सरकार तक पहुंचाने के लिए। क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी देखिए एक ऐसी पार्टी है जिसको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है और हमेशा दो मुद्दों पर काम करती है, एक तो चुनावी मुद्दे पर और दूसरे जनता के मुद्दों पर। अच्छा। लगातार भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी यही साबित करती है कि दोनों मुद्दे पर हमेशा वो एक्टिव मोड में रहती है और उस पर किसी भी तरीके का समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं रहती, चाहे जनता के मुद्दों की बात हो चाहे वो चुनावी मुद्दों की बात हो। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मुद्दों को लेकर या चुनाव एक्टिव मोड में रहती है, तो ये बात सही। हमने पहली ऐसी पार्टी देखा कि जो सत्ता में रहते हुए शपथ ग्रहण के फौरन ही बाद से उनका कार्यक्रम शुरू हो गया और आज तक निरंतर चल रहा है। कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं गया कि जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में कार्यक्रम न कर रही हो। उनका कोई भी नेता घर पे बैठा नहीं रहता, सबको स्पेशल आदेश दिया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि आपको क्षेत्र में रहना है, आपकी जनता को समस्या को सुनना है, प्रवास करना है और उन सीटों पर जो सीटें जीती हैं, हारी सीटों पर तो आप समझ नहीं सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मेहनत कर रही है। और 80 सीटें लाने का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, वो यकीनन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जनता उनका जिस तरीके से बागी लोग नहीं कर रहे क्या? ना ना एकदम नहीं कर रहे, मैं अभी बता रहा हूँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आप खुद समझ लीजिए, आप खुद समझ लीजिए कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी अभी तक उसकी कार्यकारिणी का घोषणा नहीं की गई है, अभी उनका संगठन तैयार नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन अपना कराने के लिए प्रदेश के बाहर जा रही है, पहले अपना प्रदेश उनको मजबूत करना चाहिए उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन है, कहीं राष्ट्र में कहीं कर सकते हैं। सुन लीजिए, ठीक है करते रहना चाहिए, लेकिन हम अपनी पार्टी को जानते हैं कि हमारी पार्टी हमेशा सीरियस रहती है। हाँ। और आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद जानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है कोई भी पार्टी काम नहीं करती। उसकी यही वजह है कि लाखों विरोध के बाद, लाखों विपक्षी ताकतों के एकजुट होने के बाद, लाखों क्या कहते हैं आरोप लगाने के बाद भी अगर जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है तो यकीनन या तो जनता की पसंद पर वो खरा उतरते हैं या उनकी मेहनत है, और दोनों का अगर मिला ली तो भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरी बार जिसको कहा जाता है कि रिकॉर्ड हैट्रिक बनाने वाली है जी, एकदम 100%, क्योंकि हो गया क्या? मोदी जी तय नहीं हो गया है। हाँ। ये हमारी मेहनत है जिसपे हमको जो है तो यकीन है। अच्छा। जब आदमी कोई मेहनत करता है, जमीनी स्तर पे मेहनत करता है, तो उसको परिणाम के बारे में जानकारी रहती है। बच्चा कोई अगर परीक्षा की तैयारी करता है तो उसको आश्वस्त होता है वो कि हमने पूरा किताब, कांग्रेस वाले तैयारी नहीं कर रहे, आप उनसे पूछेगा तैयारी कर रहे कि नहीं कर रहे, हम उसके बारे में नहीं बताते। हम अपनी पार्टी की बात करें कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनता रहती है। चुनौती तो देखिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चुनौती मिलती रहती है जब विपक्षी दल पार्टी पहुंच गई थी, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन हम देखिए रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में अगर सरकार बन गई तो हमारी उपलब्धि यही है कि जनता ने हमको चुना भाई, चाहे वो वोट परसेंटेज हमारा कम रहा, सीटें हम निकाल कर लेके आए और जनता ने जो हम पर विश्वास किया, हम जनता के साथ बने हुए हैं, जनता का उत्साह वर्धन हमारे साथ। ठीक है मोहम्मद इकलाक भाई, चुनौती नहीं बनने वाले बोल रहे हैं आप, तैयारी आप लोग नहीं पड़ रही है। देखिए गौरव भाई, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं तैयारी नहीं कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जी, और होली और शबे बारात एक दिन थी उसके लिए भी आप सबको बधाई आपके चैनल के माध्यम से जी। मैं अभी अपने भाई को सुन रहा था तो मुझे लग रहा है तैयारी करके ही आए थे कि क्या बोलना है केवल। अच्छा, पढ़ के आए थे। हाँ, पूरी तरीके से। और इन्होंने एक बात कही कि चुनाव जीतना, ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने कहा जैसे ही शपथ ग्रहण करती तुरंत चुनाव में चली जाती, मैं मानता हूँ इस बात को। अच्छा। क्योंकि इनका मुद्दा केवल चुनाव जीतना है। अच्छा। सरकार में रहना है, जनता की समस्याओं को पकड़ लिया करने का मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। लगातार अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए क्या सेवा करने के लिए जीतना चाहते हैं, सेवा करने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए जीतते हैं, अपनी सेवा करने के लिए। अगर हम समाजवादी लोग हैं, हम समाजवादी विचारधारा के लोग काम पे ध्यान देते हैं, चुनाव हमें जनता जिताएगी। अगर हम काम अच्छा करेंगे हमें जनता जिताएगी। चुनाव में जब जाना होगा तब हम जाएंगे। क्या हम 5 साल तक केवल चुनाव की बातें करते रहे तो हम 5 साल की सरकार में क्यों आए हैं? जनता के लिए काम करने आए हैं। क्या काम हो रहा है आज? अभी मैं देख रहा था सदन में भी
हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब, आदरणीय अखिलेश यादव साहब, सबने इस बात को उठाया, सदन किस लिए होता है, विपक्ष किस लिए होता है, भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए। अच्छा। और जिनकी विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है, अटल जी की विचारधारा, अच्छा, उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं, उसकी भी हम लोग इज्जत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए अटल जी की विचारधारा से भी अलग हो गई है। अच्छा। विरोधियों को कुचलना चाहती है। अच्छा। विरोधियों को कभी बात सुनना नहीं चाहती है। अभी ये बात बोल रहा हूँ मैं, हमारे भाई ईमानदार है क्या? हमारी भाई को बहुत बुराई लग रही है। डर किस बात का भाई? डर किसी बात का नहीं है समाजवादियों के अंदर। और जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, ईमानदार कोई नहीं कुचल सकता भाई। देखिए गौरव भाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से विरोधियों पे, अपने विपक्ष पे अत्याचार करने की कोशिश कर रही है, अगर यही काम भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी किसी पार्टी ने कर दिया होता तो कोई पदाधिकारी इनका नहीं होता। अच्छा। काम करने का तरीका नहीं होता है। अच्छा। आप जनता के लिए काम करिए, विपक्ष तो जनता के लिए होता है ना, जनता ही की बात के लिए हम आप जनता की बात बताएंगे। विपक्ष तो कहां रोड पे दिख रहा है? विपक्ष कहां दिख रहा है? जनता के मुद्दों के लिए रोड पे सिलेंडर दिख रहा है। सिलेंडर जब ग्रेड बढ़े हैं तो जब भाजपा विपक्ष में थी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर रोड पर बैठ जाती थी। तो आज अब तो कोई विपक्ष का नेता नहीं ईरानी कि सिलेंडर लेकर बैठ गया। आज क्या माननीय स्मृति ईरानी जी को महंगाई नहीं दिख रही है? अरे उनको देख रहा है, आप विपक्ष में है कि नहीं? गौरव भाई क्या आपको अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करनी चाहिए? हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। हां तो आपने प्रश्न क्यों किया? अगर सत्ता में बैठे लोग हैं, क्या इसमें पर्दा लग गया है? हमारे भाई की आंखों में क्या पर्दा लग गया है? अगर महंगाई बढ़ रही तो आप बोल तो रहे हैं पड़ गया है वो, मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ के आइए कि हमेशा चुनाव मूड में रहते हैं। अच्छा। जनता के काम के मूड में नहीं रहते हैं। अभी मैंने देखा था दो दिन पहले भी एम्बुलेंस, अच्छा, एम्बुलेंस से निकली, अरे पुरानी एम्बुलेंस जो सरकार में चल रही थी जिनसे ना जाने कितने गरीबों की मदद हुई। अच्छा। गांव गांव एम्बुलेंस पहुंची जहां कोई एम्बुलेंस नहीं जाती थी, ठीक, वहां से मदद हुई, उनका हाल क्या है? अच्छा। आप केवल 10 एम्बुलेंस से कह दे रहे हैं कि हम निकाल दे रहे हैं। जो पुरानी एम्बुलेंस है जिनके डीजल नहीं मिला, जिनके टायर खराब हो गए, जिनके टायर सड़ गए, गाड़ियां खराब होगी, उनके बारे में बात। तो ये बात डिबेट में कहने फायदा क्या? रोड पे रहिए, रोड पे आते हैं, जनता दिखाइए, जनता देखेगी। और भाई देखिए मैंने मैनपुरी इलेक्शन में भी कह दिया था कि आने वाला कल समाजवादियों का होगा। अच्छा। मैनपुरी का इलेक्शन भी आपने देखे, मैनपुरी इलेक्शन में यहीं पे भी कई लोग बहुत दावे कर रहे थे, लगातार दावे कर रहे हैं। खतरे की घंटी आपके लिए, क्या हुआ? खतरे की घंटी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत दिनों के बाद चाचा और भतीजे का मेल हुआ है, हो सकता है कि 24 आते आते फिर वही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी फिर से बन जाए। बद्दुआ दे रहे हैं क्या? नहीं बद्दुआ दे रहे हैं क्या? क्योंकि इनका काम ही तोड़ना, जो जनता नहीं तोड़ना, जो जनता से जुड़ाव न कर पाए, परिवार से जुड़ाव न कर पाए, वो कहां से जीत सकते हैं? ये अपनी मानसिकता लेकर हम फिर वही बात कहते हैं, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी रहती थी, अब अखिलेशवादी पार्टी है जिसमें सिर्फ अखिलेश यादव की चलती है, न उनमें कोई कोर कमेटी। आपने देखा 22 का चुनाव संचालन समिति बनी, एबीपी करा दे क्या? अरे आप देखिए ना कि उनके में क्या चीज है। अब कहना नहीं चाहिए भाई, चैनल आपका लाइव चैनल है, करोड़ों लोग देख रहे होंगे, हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर अखिलेशवादी पार्टी बोल रहे हैं तो एबीपी होगी, अखिलेशवादी पार्टी बोल रहे हैं क्योंकि अखिलेशवादी पार्टी रहेगी। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी हुआ करते, जब नेताजी मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी का हर नेता करता था। जनेश्वर मिश्रा, इस बार सदन में अखिलेश यादव एक गंभीर नेता के रूप में बोले हैं सर, यही कष्ट लग रहा है कष्ट तो साफ दिख रहा है हमारे भाई के ऊपर। अच्छा। सुनने को तैयार। अभी अखिलेश जी इन्होंने सीधा कहा चाचा भतीजा, इन्होंने कहा चाचा भतीजे। देखिए कोई भी समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के सर से नहीं उतरता, वो डरते हैं इस बात से। इन्होंने अभी कहा चाचा भतीजे अलग हो जाएंगे, तो ये तो चाहते ही है कि परिवार अलग रहे, लोग अलग रहे, ये अपना सत्ता राज करते रहे, तो ये परेशान ना हो। आने वाला कल समाजवादियों का ही होगा, और समाजवादी चाहे 24 का हो चाहे निकाय चुनाव हो, समाजवादी पूर्व बहुमत से जीतने जा रहे हैं। देख लीजिए समझी भाई, ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस मनोज भाई जी, भाई यहाँ पर समसी भाई बोल रहे थे कि आप लोग तो लाइन में ही नहीं हो, कोई सुनवाई नहीं है आपकी, संगठन पूरा नहीं है, आपके जो प्रदेश हैं उनकी सक्रियता भी जग जाहिर है, कहते कुछ नहीं कर पाने वाले हैं। देखिए समसी भाई का हाल भी वही है, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का, इनके संगठन के जिम्मेदार नेताओं का, सरकार से जुड़े हुए संवैधानिक पद पे आसीन मंत्री मुख्यमंत्रियों का, अच्छा, और पूरी पार्टी का। अरे सीसी जीतने जा रहा है भाई, कमिटमेंट हो रहा है, ये सत्ता का अहंकार है, अहंकार है, लोकतंत्र की आस्था में अविश्वास है। लोकतंत्र को किस प्रकार तानाशाही में परिवर्तित किया जाए उसका दम है और कुछ नहीं है। अगर मेरे काबिल शमसी आजाद भाई को जरा भी ये संवेदनशील होते, जनता की बात, जन सरोकार के मुद्दों को कुछ महत्वपूर्ण समझते, तो इस प्रकार से आधारहीन, अशोभनीय, मर्यादित टिप्पणी, लोकतंत्र के प्रति, विपक्ष के नेताओं के प्रति,
विपक्षी दलों के टिप्पणी भूल जाइए। नहीं नहीं मैं बराबर सूप ने कहा, अब तो वो टिप्पणी भूल जाइए। नहीं मैं कह रहा हूं भारतीय राजनीति बची नहीं है। मैं आपके सवाल खत्म हो चुके हैं भारतीय राजनीति, उम्मीद ही नहीं करते किसी नेता। भाई आपका चैनल लाइव है और देखिए, इनको रिप्ले करके दिखला दीजिए अगर किसी माध्यम से हो कि मैंने कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो उम्मीद ही नहीं करता हूँ भारतीय राजनीति, मुझे उम्मीद ही नहीं है कोई अच्छी बात करेगा। पूर्वक बात करता हूँ, मैंने तो देखिए किसी के बीच बात कर रहे हैं, किसी के बीच में नहीं 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 आइए, शमसी भाई काबिल है, ट्रेंड है, भाजपा की नर्सरी में ट्रेंड हुए हैं, तो ये स्वांग रच रहे हैं। अच्छा, लेकिन स्वांग और असलियत में क्या मर्यादा के ऊपर विपरीत काम, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपनी बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सीटें विपक्षी दलों की कितनी भी, इन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं, बढ़ जाए, जनता हमें गुणात्मक रूप से, हमें कार्यों के आधार पर, हमें बेहतर, हमारा काम को माने ना माने, हमारा मुख्य उद्देश्य है सरकार बनाना। अच्छा, सरकार वो सुबह 4 बजे असंवैधानिक तरीके से राजभवन का दुरुपयोग करके बने, हॉर्स ट्रेडिंग करके बने। अच्छा, सारे लोकतंत्र के मूल्यों को तार तार करके बने। अच्छा, लेकिन ये सरकार चूंकि चुनावी मोड में रहती है, जब सीधे जनता के दिल में जगह बना पाती है, नहीं नहीं वो सारा कुछ है, समझदार है, सारा कुछ है इसमें। किस प्रकार से रिजॉर्ट की राजनीति की जाती है, किस प्रकार, अच्छा आप बताइए, ये काबिल साथी जीते वहां भी, नहीं नहीं आप बताइए कहां पर जो स्वाभाविक जनादेश था उसका इन्होंने सम्मान किया, ईवीएम खराब हो गया। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा ये सत्ता के अहंकार में चूर है। अच्छा, हर संस्थाओं को दुरुपयोग करना, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना, दबाव डालने की राजनीति करना, ये इनकी फितरत है। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, परिश्रम की इन्होंने बात की, विपक्ष के नेता परिश्रम नहीं करते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं। जिस प्रकार से मैं चुनौती देता हूं शमसी भाई को, भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई भी सरकार में, इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी जनता के प्रति है। इनमें अगर इतनी हिम्मत है 1 हफ्ते 15 दिन ये केवल मैं कह रहा हूं ट्रेन से यात्रा करके जनता के बीच में जाएं। अच्छा, कोई प्रायोजित कार्यक्रम ना हो, मिथ्या प्रचार का कोई इनका एजेंडा ना हो, सरकार की वाहवाही करने की इनकी मंशा ना हो। अच्छा, जिस प्रकार साफगोई से, ईमानदारी से, संवेदनशीलता के साथ, दूरदर्शिता के साथ भारत के भाव को समझने के लिए भारत पूरी भारत में पदयात्रा करते हुए राहुल गांधी जी ने एक जो विश्वसनीय अपनी छाप छोड़ी है भारतीय जनता पार्टी से, हर आर्थिक मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, गवर्नेंस के मुद्दे पर, जो आंख में आंख डाल के सवाल करने का काम किया है पूरी भारतीय जनता पार्टी, स्वयंभू विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, स्वयंभू चाणक्यों से भरी पार्टी, पूरी तरीके से हतोत्साहित है, परेशान है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो साफ मन से किया गया हुआ एक जिम्मेदार संवेदनशील नेता का, किसान प्रेमी नेता का, महिला के सुरक्षा के प्रति सवाल उठाने वाले नेता का, भारत के भविष्य के प्रति चिंतित और भारत के भविष्य को सुनिश्चित करने वाले नेता का गंभीर सवाल है, प्रामाणिक सवाल है। अच्छा, इनकी हैसियत नहीं है अगर ये जनता के बीच में, पिछले इनके डबल की सरकार है 2014 से दिल्ली में व्याकुलता बता रही, इनकी बेचैनी बता रही कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो असफल हो चुकी है। अब उसका कहीं पर कोई नाम नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। देखिए मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी में इतना साहस हो, चुनौती देता हूँ आप जैसे 10-12-15 निष्पक्ष ईमानदार जनता के सवालों को प्राथमिकता देने वाले पत्रकारों के बीच में बैठे और जनता की जो वस्तु स्थिति है, यथा स्थिति है, उस पर सवाल जवाब करने की अगर उनमें हिम्मत है, साहस है तो करें, लेकिन नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, आम कैसे खाते हैं, चाय कैसे बनाते हैं, पकौड़े कैसे तलते हैं, ये दुर्भाग्य है देश का। अच्छा, इस सबको, इनकी मंशा को बेनकाब करते हुए, इनकी राजनीतिक संवैधानिक जिम्मेदारी को बताते हुए, अच्छा, अगर राहुल गांधी जी ने इनसे सवाल करने का काम किया है, अच्छा, ये तो कहेंगे ही। अच्छा, विपक्ष के नेता, अच्छा, विरोध कैम्ब्रिज में जाकर दिखाएंगे कि भारत में, कहीं भी विरोध जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिखाएंगे कि भारत में दिखाएंगे विरोध? क्यों, जो चाइना में जाके ये कहें प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए विदेश की धरती पर कि अभी तक के पहले भारतवासी अपने आप को भारतवासी कहने में शर्म अपमानित महसूस करते थे। अच्छा, आप इस पर क्या बयानबाजी देंगे? और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा को उजागर करने के लिए अगर तथ्यात्मक तरीके से कोई विचार अच्छा आता है तो उस पर सवाल हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत के भविष्य में, भारत के भविष्य। जनता के बीच कह रहे थे कैंप में जाने की जरूरत थी भाई, क्यों नहीं? अच्छा, लगातार यहाँ पर लोगों के बीच में रहते हुए, उनकी बात सुनते हुए, समझते हुए, कहते हुए, जहां भी जाएंगे हम तरीके से, अहिंसा वाली तरीके से,
लोकतांत्रिक तरीके से, वो तो अपने टांड पे समझे बताएंगे बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी विचलित हो, चाहे जितना अपमानित करे, चाहे जितने सत्ता के अहंकार में ये चूर रहे, लेकिन इससे ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ठीक हो गया। तरुण श्रीवास्तव प्रवक्ता, आप तुम्हें जी, आपके दो मंत्रियों की सफर आज होगी दिल्ली में, महत्वपूर्ण। इसके अलावा तमाम तरह की बातें सामने आई और आपसे लगातार बीजेपी की जद्दोजहद जारी है, चाहे दिल्ली की एमसीडी चुनाव की बात करें या गुजरात की बात करें और चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार आपका संघर्ष जारी है। पर क्या कुछ अलग होने वाला है 24 चुनाव के लिए, क्या कुछ अलग होने वाला है निकाय चुनाव के लिए? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित करना है तो निकाय चुनाव और 24 के चुनाव में महत्वपूर्ण प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपको यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कैसे लिखते हैं? जी जी बोलिए बोलिए सर बोलिए। हमारी पार्टी अभी 10 साल पुरानी पार्टी है जी, और बहुत छोटी पार्टी आप कह सकते हैं जी, लेकिन हमारे जो कार्यशैली थी, हमारे काम करने का जो तरीका था, उसे लोगों ने, जनता ने पसंद किया जी। तो पहली बार में ही वो हमें दिल्ली ले आए जी, दूसरी बार दिल्ली लाए, तीसरी, और उसके बाद तीसरी बार हमें पंजाब में ले जी। देखिए पंजाब में भी जी, 10 साल में हम दो राज्यों की, राज्यों में सरकार चला रहे हैं जी, तो ये कोई छोटी बात नहीं है जी। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, अच्छा, खोखा पार्टी, अच्छा, ये कहती है कि हम जो है, खोखा पार्टी समझ नहीं पाया मैं आपकी, खोखा आप देखिए ना हाँ। हर जगह आप ये कह रहे थे कि जनता जो है हमें पसंद करती है और हमारी सरकार बना देती है, हमें वोट करती है, लेकिन मैं अभी देखिए, मैं देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि 2014 से 8 साल के बीच में 7 राज्यों ने इन्हें जो है वोट नहीं दिया, लेकिन ये अपने खोखा लेकर गए और वहां पर सरकारों को तोड़ा, वहां गिराया, विधायक खरीदे और वहां पर सरकारें बनाई। आप महाराष्ट्र को ले लीजिए, गोवा को ले लीजिए, उत्तराखंड को ले लीजिए, कर्नाटक को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, अरुणाचल को ले लीजिए। तो ये अगर ये कहते हैं कि जनता हमें सपोर्ट करती है तो ये इनका सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा, क्योंकि ये पेटी लेके पहले ही बैठे रहते हैं, लेकिन खोखा यानी करोड़ बोल रही है जी जी जीते हैं, उसके बाद उसी को अपनी पार्टी में लेकर मुख्यमंत्री बना लेते हैं। अच्छा, तो मर्यादा, तो मर्यादा और जो नैतिकता है ये तो छोड़ दीजिए। बनने वाले पार्टी मुख्यमंत्री, देखिए ये इन्हें सिर्फ सत्ता लेना होता है किसी भी तरीके जी। अब मैं आपको वहीं पर आ रही हूँ। एक आम आदमी पार्टी, ऐसी पार्टी जो जनता के लिए सोचते हैं। अच्छा, ये पार्षद देखिए आप, मेयर ये बनने नहीं दे रहे थे। अच्छा, एक साल पहले तो जब चुनाव हो जाना चाहिए था, इन्होंने तिकड़मबाजी करी। इन्होंने क्या किया कि सारी दिल्ली को, सारे जो एमसीडी को, 3 जगह जो बटी हुई थी उसको एक जगह कर लिया कि हमारा मेयर बनेगा और हम दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन जनता मन बना के बैठी थी कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। अच्छा। और उन्होंने हमें 134 वोट दिए, लेकिन इन्होंने उसमें भी ड्रामेबाजी करी। उन्होंने हमारे मेयर को नहीं बनने के लिए 2 महीने टालने के, और जो मार पिटाई, जो झगड़ा, हाथापाई हुआ, ये पूरे देश ने देखा। ये बहुत ही, मतलब पूरे देश के लिए बहुत बेइज्जती की बात थी कि जो भाजपा के पार्षद थे उन्होंने गुंडागर्दी करी। ना वो संविधान को मान रहे हैं, ना लोकतंत्र को मान रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे भी हम सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद हमारा मेयर बना, बड़ी शांतिपूर्ण फिर जाके वोटिंग हुई। नहीं तो ये, और उसमें भी स्टैंडिंग कमेटी में इन्होंने मारधाड़ शुरू कर दी, रात होते होते इन्होंने बदतमीज, और अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया है। ये बहुत ही मतलब शर्मिंदा करने वाली बात है दिल्ली के लिए। लेकिन ये जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, अच्छा, आपने बताया कि ये विपक्ष को डराने का काम। शर्मा जी जी, 24 चुनाव है और दिल्ली भी 7 सीट पर बीजेपी कब्जा है, तो आपकी सरकार तीसरी बन जाती है, पर लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी 16 खाने चित्त हो जाती है, सीट जीत पाती है, जनता वोट अलग जनता वोट देने आती है क्या लोकसभा चुनाव में? देखिए मैंने आपसे अभी शुरुआत में ही कहा था कि हमारी 10 साल पुरानी पार्टी, अभी 10 साल हुए हमारी पार्टी को, और 10 साल में हमने 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं और हमारा फोकस और भी राज्यों पे है। अभी हम राजस्थान में चुनाव
की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तैयारी करें, और ये देखिए कि हम गुजरात में जो भाजपा का गढ़, गुजरात नहीं जाए, दिल्ली की बात करिए, गुजरात की बात करिए, देखिए नहीं नहीं हमने वहां पे भी 5 सीटें ली। मैं हम अपनी पार्टी के बारे में आपको बता रहे हैं, दिल्ली में एक भी सीट जीत पा रही है लोकसभा की। भाजपा जिस घमंड में बैठी है कि हमें जनता जिता रही है, हमारी सरकारें बना रही है, लोकसभा नहीं जिता रही है, ये भी स्वीकार करिए, लोकसभा में आप जीत पा रही है भी स्वीकार करिए। बहुत सालों तक कांग्रेस ने यहाँ इस देश पे राज किया। अच्छा। उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी के नाम पे दूसरी पार्टी भाजपा पार्टी थी, उसे 2014 में बहुमत मिला, उससे वो मतलब जितने घमंड में है, ये घमंड जो है, घमंड तो होगा ही है, आप किसी का सरकार बना के बैठी है, आप एक सीट निकाल पा रही लोकसभा की, घमंड तो रहेगा ही रहेगा। जो आता है वो जाता भी है। अच्छा ठीक है, दिलीप भाई विशेषज्ञ हो, आपने सबकी बातें सुनी, दिल्ली में तीसरी बार सरकार, केजरीवाल सरकार, पर लोकसभा सीट में 16 खाने चित, एक भी सीट नहीं। हालांकि मेहनत चल रही है, पंजाब में सरकार बनाई है, और गुजरात में जो कि बीजेपी का परंपरा गढ़ माना जाता है, वहां पर 13% वोट और 5 महत्वपूर्ण सीट हैं, और जानकारी मुताबिक कई सीटों पर, दर्जन से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर पोजिशन पर आई है, गुजरात में मजबूत उपस्थिति। पर इसके बावजूद अब स्थिति क्या है, लगातार सक्रियता चल रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा और भाजपा। भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है और वहां पर बैठ के लगातार चलती रहती है। कार्यकर्ताओं को समय समय पर जिम्मेदारी देना, बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त करना, फिर और दूसरी जिम्मेदारी देना, वहां पर चलता रहता है। कैसी चुनौती होने वाली है और विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है निकाय चुनाव और 24 के चुनाव को देखते हुए? गौरव जी, सबसे पहले तो एक चीज बताएं कि इनकी जो भारतीय जनता पार्टी का जी ये पॉलिटिकल पार्टी है जी, जो आरएसएस की जो है मातृ पार्टी है जी, आरएसएस जो है इनकी पेरेंटल संगठन है जी, और उसी संगठन के माध्यम से जी ये पूरे देश में जो है जहां जहां पे भी जो है इलेक्शन होता है जी, ये जीतते हैं जी, या फिर जो है आगे की जो रणनीति बनती है जी, वो जो है नागपुर से होता है जी, तो इनके पास बैकअप में जो है एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस के रूप में जी, जो संगठन वहां के संगठन आरएसएस का संगठन प्लस भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, संगठनात्मक ढांचा है जी, वो बहुत ही मजबूत है। इस वजह से ये जो है जो जीत का जो है इनका सीक्वेंस है वो बढ़ता जा रहा है, और बहुत सी जगहों पे जो है ये हारे भी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने 2 स्टेट और प्लस जो है गुजरात में जो है अपना जो है उपस्थिति दर्ज की। ये बहुत बड़ी बात है कि जो है लोगों में गुजरात चूंकि बहुत दिनों से, कई सालों से जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो बदलाव की दशा में जो है जा रहा है गुजरात जी। लोग सोच रहे हैं कि जो है कुछ बदलाव हो, जैसे जो है कांग्रेस जो है केंद्र में सरकार बना के रहती थी और धीरे धीरे जो है गठबंधन की सरकारें आई और वो जो है सत्ता में रही, इसके बाद फिर 10 साल के लिए जो है कांग्रेस आई, उसी तरीके से जो है कोई भी व्यक्ति अमृतत्व को, मतलब कोई भी पार्टी अमृतत्व को प्राप्त नहीं है, और न ही जो है वो आजीवन जो है जी इस मद में रहेगी कि जो है वो सत्ता में हमेशा काबिज रहेगी जी। भारतीय जनता पार्टी अगर जो है कहीं पे जो है जीत रही है जी, तो उसका दूसरी स्टेटों में भी जो है डिक्रीज हो रहा है। रही बात ये कि भाजपा संगठनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत पार्टी है जी, जो कि और पार्टियों में आम आदमी पार्टी हो गया या जो है समाजवादी पार्टी हो गया या कांग्रेस हो गया, अन्य पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो है वामपंथी दल हैं, उनमें वो संगठनात्मक जो है ढांचा मजबूत नहीं है, तो इसलिए जो है साबित होगी नहीं होगी लोग जी, चुनौती साबित होगी बीजेपी के लिए नहीं होगी, तौर पे जो है समय आ गया है, लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है। इन पहला तो जो है विपक्षी पार्टी जो है अपने को संगठनात्मक रूप से जो है मजबूत कर ले, और ये आने वाले समय में जो है एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा करेगी, क्योंकि कांग्रेस के जो है राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो आंदोलन जो है चालू किया, यात्रा चालू किया, उससे लोग जो है जुड़े हैं,
और धरातल पे जो चीजें चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी जो है फुलफिल नहीं कर पाई, क्योंकि जो है ये विकास के नाम पे आई थी, जो है रोजगार के नाम पे आई थी और भ्रष्टाचार के नाम पे आई थी कि जो है ये सारी चीजें हुई है। हेलो जी, दोबारा आपको बताता हूँ, दोबारा आता हूँ, दोबारा आता आपके पास, ठीक है, कुछ आवाज में डिस्टर्बेंस है आपका, ठीक है, समझिए यार, बड़े मुस्कुरा रहे थे आप तरुणमल जी की बात पर, नेता सपा की बात पर, क्या कारण था? अरे भाई, आपको वहां पर नुकसान कर रही है, लगातार बढ़ रही है, और आपको खोखा पार्टी बोल दिया तरुणमल जी ने, खोखा खोखा खेलते हैं क्या आप लोग? देखिए, जब विपक्षियों की बात वही कही जाती है ना कि जहां पर जीत जाते हैं तो वहां पर वाहवाही लूटना चाहते हैं, जैसे अरे 15 साल बाद एमसीडी हार गए, आपको दर्द नहीं है क्या? हार गए, ठीक है, कोई बात नहीं है, लड़ झगड़ के मेयर वहां उनका बन गया है, तो समीक्षा करेंगे, हार गए तो पूरी सामाजिक गरमा खराब हो गई। आरोप नहीं लगाया कि ईवीएम की खराबी थी वहां, या आम आदमी पार्टी ने वहां गुंडागर्दी की, जैसे तरुणमा जी बता रही थी कि मुख्यमंत्री इनका होते हुए भी अगर अपने प्रदेश में अमन चैन नहीं बना पा रहा है, अगर वो चुनाव नहीं करा पा रहा है, पंजाब में दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, दिल्ली में एमसीडी चुनाव था, इनको कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर वहां पर अपने ही एमसीडी का चुनाव ये नहीं करा पा रहा सही तरीके से, पुलिस हमें दे दीजिए, वही तरीके से पुलिस तो आपका खाब रहेगा, पुलिस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के हाथ में जिस दिन दिल्ली की पुलिस आ जाएगी, वो उस दिन जो है देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, उस दिन देश किस हालत पे चला जाएगा, दिल्ली की हालत क्या होगी, तो हिंदुस्तान, क्योंकि दिल्ली जो है वो हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, पूरी दुनिया से दिल्ली में लोग आते हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान भी है, सारे फॉरेनर्स भी आते हैं, विजिटर्स भी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो हम वहाँ पर अमन चैन बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को छूट नहीं देना चाहती, कि जिस तरीके से पंजाब में उपद्रव मचा हुआ है, आप देख लिए कि उनके ही मुख्यमंत्री बोलो कह रहे सीबीआई के पीछे लगा देते हैं, अरे आप चोर है तो आपके पीछे सीबीआई लगेगी, आप अगर ईमानदार है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, आपको डर क्यों है, सीबीआई लगे, ईडी लगे, कुछ भी लगे, आपको चाहिए आप सीधे साथ के खड़े रहे, आज आप ही के डिप्टी सीएम के ऊपर आरोप लग रहा है, जेल भेजा जा रहा है, आपने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, जनता के लिए जो काम कर रहा है वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से दिख रहा है, पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है, और गौरव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि दिल्ली में आपकी सरकार भले तीसरी बार बनी हो, लेकिन लोकसभा की सीटें आज तक आप एक हासिल नहीं कर पाए, क्यों नहीं हासिल कर पाए, क्योंकि जहाँ राष्ट्र की बात आती है, जहाँ देश की बात आती है, जहाँ एकता अखंडता की बात आती है, वहाँ पर जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहती है, सारी पार्टियों ने देश को का काम किया, भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र में आई है, तरुणमा जी सुन ही नहीं पाएंगे, अच्छा ये हम बोले वो सुन ले या वो बोले हम सुने, तो जिस तरीके से आप तैयार हो गौरव जी, आप बता दीजिए, आप सुना दीजिए जिस तरीके से राष्ट्र का जब चुनाव होता है, जब देश का चुनाव होता है, तो जो भी देशभक्त होते हैं, जो भी राष्ट्रभक्त होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान को वोट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर विकास हो सकेगा, देश अगर आगे बढ़ सकेगा, तो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये पिछले 8 सालों से 9 सालों से लगातार साबित हो रहा है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है, और इस बार तीसरी बार 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये आपकी बात लूंगा, अभी आप करा लूंगा, एक लाख भाई कुछ बोल रहे हैं, समझी भाई आपकी बात, भाई जी मैंने पहले भी कहा कि हमारे समझी भाई बोलते चले आते हैं, पढ़ के आते हैं, अब पता नहीं कान में कुछ लगाया नहीं लगाया, मुझे नहीं, कमांड ऊपर से आ रही क्या, अब बोलते ही चले, कमांड ऊपर से आती लगता, बोलते ही चले आ रहे, सुनते नहीं, मुझे दिख नहीं रहा, पर कमांड ऊपर से आ रही है, से इन्होंने बोलना शुरू किया, एक बात बता दे जो जनता की समस्याओं की बात बोली, एक पूरे देश से लोग आए, यही बात समाजवादी पार्टी को चुप रही थी, समझी भाई सुन लीजिए, 111 सीटें हैं जनता के बीच में जाए ना, कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर चल रहा है, लेकिन इनका मुख्यमंत्री किसी नेता के साथ खड़ा होता दिखाई दे तो बताए आप, चाहे वो शर्जील इस्लाम की बात हो, चाहे इरफान की बात हो, चाहे आदम खान की बात हो, अखिलेश यादव खड़े नहीं दिखाई देते हैं, अच्छा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये अपराधी हैं। समाजवादी पार्टी में 2012 से लेकर 2017 तक एक काम बहुत मजबूती से किया गया, और वो काम ये किया गया कि अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग थे, गुंडा माफिया जो थे, उनको मजबूत करने का समाजवादी पार्टी ने काम किया, और वही आज जो है यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। हटा दीजिए, लगाओ कमांड, थोड़ा रोको देर के लिए, दूसरों की बात सुने, सत्ता में है मुझे लगता है कि सुनना चाहिए आपका, मैं सुनने के लिए सत्ता में है, मुझे लगता है सुनना
इनकी सब सुनेंगे हाँ। मगर विपक्ष की भी सुने तो ज्यादा अच्छा सुना रही, सुना रही। हमारे देश का संविधान भी यही कहता है जी। रोजगार पे आप बात करिए हाँ। नहीं बात करेंगे ना जाने कितनी सरकारी संस्थाओं में अभी भी नौकरियां खाली हैं, उस पर कोई डाटा नहीं है, कोई बात नहीं होती। बात करी इन्होंने बुलडोजर की, आप अपराधियों पे बुलडोजर चलाइए, अपराधी बना के बुलडोजर ना चलाइए, आप चलाइए बुलडोजर, हम आपके साथ हैं। ना जाने लखनऊ, उत्तर प्रदेश छोड़ दी, लखनऊ में कितनी ऐसी बिल्डिंग है जो राज्य सरकार में है, क्या कर रही है आपकी सरकार, क्या कर रहे हैं आपके कुछ अधिकारी जी। सदन में भी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो उन पे आप देखिए। आप समाजवादी पार्टी के घर में घुसने काम करते हैं हाँ। चाचा भतीजे में लड़ाई आ रहा है, हम समझा लेंगे अपनी लड़ाई है हाँ। हम देखेंगे क्या करना है हाँ। आपको उससे क्या फायदा, आप क्यों परेशान होते हैं हमारे परिवार के लिए। आप अपने परिवार की बात करिए, आप देश की बात करिए। आप देश को बढ़ाने में आगे काम करेंगे हम आपके साथ हैं, प्रदेश को बढ़ाने का काम करेंगे हम आपके साथ हैं। आप क्या सोचते हैं देश और प्रदेश को बर्बाद करेंगे, हम आपके साथ हैं। अभी हाँ। आप दिल्ली की बात कर रहे थे हाँ। कि दिल्ली में हम कानून व्यवस्था ऐसी है, दिल्ली उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं करी आपने। होली चल रही है हाँ। लगातार दो दिन में क्या हुआ, कितनी गोलियां चली हैं लखनऊ के अंदर, लगातार होली नहीं दिवाली चल रही है, इस पे कब बात करेंगे आप जी। रोजगार पे कब बात करेंगे आप, न जाने कितनी स्वास्थ्य कल की घटनाएं हैं, कहीं डॉक्टर नहीं है। अच्छा, जिस रोड से G20 समिट के लोग आए समाजवादियों ने बनाई है, जिस रोड पे गए हैं समाजवादियों ने बनाई है, हर काम समाजवादियों ने किया है। एक एक गरीब, एक एक पिछड़ो तक मदद पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया समाजवादियों ने। ठीक है, हम चुनाव हार गए, हम इनकी तरह चुनाव माहौल में नहीं रहते, हम जनता के समस्याओं के मुद्दे के माहौल को माहौल बनी रहे के लिए हम काम करने के लिए आएंगे जनता की सेवा। देखिए, हम लगातार काम कर रहे हैं, जनता को समझाते हैं, काम करते हैं, जनता को दिखाने का काम करते हैं। जनता देख गर्मी आ जाएगी तो एसी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, समझाइए नेता को अपने। अच्छा, आप पांच काम ऐसी बात आप पांच काम ऐसी बात क्यों आती भाई, ऐसी बात क्यों आती है, नहीं यहाँ बैठे होते फिर आगे चाचा भतीजे यही कहा उन्होंने, फिर आगे चाचा अहंकार में न डूबे होते, अगर हमारी बात आगे हमारे परिवार के बीच अखिलेश भाई, अखिलेश भाई आएंगे आएंगे, आपके आपकी पार्टी के नेता ने बयान भी बहुत दिया, गठबंधन जब थे तो बहुत बयान आए, बहुत बयान आए उस समय हमारे नेता ने साफ कर, मैं इसीलिए सुझाव दे रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी को, अभी मौसम अच्छा है जनता के बीच में जाने के लिए, अभी गर्मी फिर इसी पे आ गए आप लोग, इसी बात कब छोड़ेंगे भाई आप लोग। देखिए मैनपुरी के आप नहीं थे इसमें नहीं बैठते क्या, वही मैं कहना चाहता हूँ हाँ। ये हमें लगता है समची भाई भी एसी में नहीं बैठे हैं, मैं भी एसी में नहीं बैठा। अच्छा, हम सब एसी में बैठे हैं। अच्छा, मैनपुरी के इलेक्शन आप लोग ने देखा, मैंने पांच काम पूछे, सर्दियों में हुआ था, और अब भाई मैंने पांच काम पूछे जी, बात काट दिया समची भाई ने हाँ। पांच काम गिना दे तभी डिबेट आगे बढ़ा, पांच काम गिनाए, मैंने पांच काम गिना दे, वो पचास काम, वो पचास गिनाएंगे आपको, गिनाए पांच काम, मैं तो कहता हूँ गिनाए पांच काम। सुनिए, गिनाइए, नंबर एक सुन लीजिए, सभी जिलों में ट्रामा सेंटर लीजिए, कहाँ है आप हमें सूची दीजिए, सूची दीजिए, सभी जिलों में सूची दीजिए कहाँ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस क्या हालत है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में की क्या हालत, अब आप बताइए भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस, आज आप जो है निकलेंगे तो आप जाता जाएगा वो पूर्वांचल का एरिया हाँ। जहाँ लोग जाते हुए डरते थे, माए हाँ। बहने जहाँ जाते हुए डरती थी, रात के वक्त अगर सफर करना होता था तो घर के लोग मना करते थे, मुख्यमंत्री जी आते हैं, घर के लोग हाँ। मना करते थे उस रास्ते पर मत जाइए, अरे गाजीपुर बलिया मऊ आजमगढ़ पड़ता है वहाँ मत जाइए, वहाँ समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, लेकिन आज वहाँ पर रात में भी आप बता दें 2 बजे रात में, 2 बजे रात में भी अगर आप यात्रा करते, अच्छा चलिए हो गया हो गया, दूसरा काम, तीसरा गिनाइए, तीसरा गिनाइए, तीसरा स्वास्थ्य सेवाएं, आप क्या है स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार मेला लगाया है, जगह जगह पर रोजगार के आयाम दिए जा रहे हैं, 33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एक अखबार उठा लीजिए, आंखें बंद करके अगर यहाँ पर दिखा दीजिए, भरे हुए हैं जिसमें निकला हो कि तीन नौकरी के माध्यम से, चाहे माध्यम से, आज उत्तर प्रदेश में हर जिले का रोजगार हुनर हाट के माध्यम से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और राज्य सरकार से मिलकर, आपने यही देखा कि लखनऊ में कितनी बार हुनर हाट के माध्यम से यहाँ पर रोजगार देने का काम किया गया, आप भारतीय जनता पार्टी का
काम करते हैं, चाहे मुफ्त अनाज की बात ले लीजिए, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात ले लीजिए, चाहे शौचालय की बात ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात ले लीजिए, चाहे जल कल योजना की बात कर लीजिए, सड़कों के सुधार की बात कर लीजिए, महिला सशक्तिकरण की बात कर लीजिए, काम आपको गिना देंगे, कितने काम आपको गिना 500 दे देंगे, हर जिले में इन्होंने आप बताए ना सेंटर खुला, आप बताए ना कि जमीन पे आइए, जमीन पे कहां है, जमीन पे कहां है, जमीन पे कीजिए, पुराना डायलॉग हो गया है, हर जगह समाजवादियों से पूछा जाता था, ये उन्होंने उल्टा हमसे पूछ लिया, हमें आपने देखा समाजवादियों जनता के बीच में जब चुनाव हुआ, जब समाजवादी पार्टी के नेता गए काम बोलता है काम बोलता है, तो यही पांच सवाल जनता ने किए थे कि आप पांच काम बताएं, तो नहीं गिना पाए, और वही असर हुआ कि 2017 के बाद से समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई है, और लगातार इसका पता चलते जा रहा है। हम अपने काम में भी चुनाव लड़े थे, लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे, आपकी तरह बहकाने काम और परिवार को लड़ाने काम नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग बार बार एसी की बार बार बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है जो आप लोग एसी की बार 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 करते हैं, क्योंकि एसी की बात सुनकर मुझे उम्पिका राजभर की याद आती है, भारतीय जनता पार्टी मुझे राजभर की याद आ जाती है, उम्पिका राजभर नहीं, आजकल वो लगता हीटर में भारतीय जनता पार्टी के पास बैठे हुए। अच्छा ठीक है, बैठे हुए हीटर बैठे हुए, चलो ठीक है, लग रहा है। मनोज सिंह, मनोज जी देखिए, मुझे लगता है गौरव जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने देश की स्थिति बना रखी है, जो जिस प्रकार से नीतिगत नाकामी तो इनकी जग जाहिर हो चुकी है, इनकी नियत का जो खोट है, इनका जो मानसिक विकार है, दिवालियापन है, वो सब ये बताता है। देखिए हर पार्टी को, अभी उन्होंने काम करा दिया, आप दिवालिया हो गए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, हर पार्टी को चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने संगठन का विस्तार के लिए, अपने पार्टी के कार्यक्रमों एजेंडाओं को लेके, एजेंडा को लेके जाना चाहिए, और जनता की जो आवश्यकताएं हैं उस पर काम करना चाहिए, और सब पार्टी अपने अपने प्रयास से वो करती भी है। कोई भी पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इसमें कहीं कोर कसर छोड़ने का प्रयास नहीं करती हैं। अब जनता अपने विवेक से फैसला लेती है, लेकिन आज जो स्थिति इन्होंने बना ली है, अच्छा, ये विकास की बात कह के आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करके आए थे, नहीं है क्या? युग प्रवर्तक बन के आए थे, अच्छा, देखिए जो जो इन्होंने बात कही उसके सरकार में आने के बाद खुला उल्टा आचरण किया, अच्छा, उल्टी इनकी बात हो गई। आज अगर आप जिम्मेदारी से, एजेंडे पे, प्रमाणिकता से, डेटा पे, अगर जो इन्होंने ही कहा था, जो युग पुरुष घूम रहे थे, नया भारत, स्मार्ट भारत, स्टैंड अप भारत, अच्छा, वो क्या क्या करते हुए ये कॉमेडी करना शुरू कर दिया। अरे कौन सी बात है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए आज अगर किसानों की बात करेंगे तो उस पर किस प्रकार की बात होगी, महिला सुरक्षा को लेके बात करेंगे तो इनका व्यवहार क्या होगा, अच्छा, भारत में बेरोजगारों को रोजगार देते हुए सम्मानजनक जीवन निर्वहन की बात करेंगे तो किस प्रकार से ये अपमानित करने का काम करेंगे, अच्छा, तो अब सबसे ज्यादा जनता इनको देख चुकी है, इनको पूरा मौका दिया, भरपूर जन समर्थन दिया, लेकिन इन्होंने चारों तरफ से निराश, विकल्प कौन है, विकल्प बहुत मजबूत सशक्त विकल्प बनके, मैं अभी कोई जल्दबाजी में कोई बात नहीं कहने वाला हूँ, सरकार बना रहे हैं, नहीं नहीं देखिए, अरे अभी बोल देंगे तो नीतीश जी नाराज हो जाएंगे, लालू जी नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे, ये निर्णय जो है, ये निर्णय 40 कमेटियां 40 पार्टियां चुनाव में जीत हार जनता अपने विवेक से करती है, ये उसका उसका विवेकाधिकार, जनता पे भरोसा नहीं किया, नहीं बिल्कुल भरोसा है, तो कह रहा हूँ सरकार बना, जनता की बात को, जायज ज्वलन सवालों को लेके जिस प्रकार, अरे हमारी पार्टी सीखी, वो तो इसलिए बोलती है कांग्रेस पार्टी, बड़े पास सीटें हैं, हमारे नेता राहुल, हमारी पार्टी से, हमारे नेता राहुल 13% वोट लेके आई है वहां पर, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से जनता में एक नौचेतना जगाने का काम किया है, जनता को उसके अधिकार सरकार को दिलाने की मांग रखी है, आप बहुत सशक्त विकल्प, मैं इतना ही कहूंगा, बहुत सकारात्मक माहौल है, लोग सचेत गए हैं, अच्छा, तो जैसे जैसे लोग सचेतते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कारनामे खुलते जाएंगे, अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपना सत्ता के अहंकार में जो आचरण बना रखा है, इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता जिस प्रकार से बात करते हैं तो दूसरे को अपमानित करने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं, सत्ता के अहंकार में जिस प्रकार से ये चूर रहे, हाँ, जनता इस सबका जवाब लेगी, क्योंकि हमारा देश, हाँ, लोकतांत्रिक मिजाज का देश है, ये तानाशाही से कंट्रोल होने वाला नहीं, तानाशाह हो गए लोग हैं, बिल्कुल, अच्छा,
इनकी हर बात, इनका हर आचरण, इनका हर वक्तव्य, इनका हर एक्शन, देखिए हमारे यहाँ एक नेता नहीं, ना मैं एक नेता की बात करता हूँ, हमारे यहाँ अनेकों नेता हैं जिनका उदाहरण है, चाहे आदरणीय मोदी जी हो, चाहे जयप्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, भूपेंद्र चौधरी जी, लेकिन इनको जो है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी दिखाई देते हैं। और राहुल गांधी का असर आपने देखा कि जनता ने लगातार उनको बिल्कुल हास्यास्पद पर, जैसे कवि होता है कि मंच सजाकर कवि को बैठाला जाता है और तालियां बजाते हुए साहित्य वाले की बात करेंगे, कवियों का अपमान करने के बाद जब घर चले गए, मुझे हास्यास्पद कवि कहा जाता है, काव्य सम्मेलन होता है, काव्य सम्मेलन होता है, कवियों को बैठाला जाता है, चुटकुले होते हैं, बेअंदाज हो जाएंगे, होते हैं, वही हाल राहुल गांधी का है, मंच से जाकर उनको बैठाला जाता है और कभी वो आदमी से सोना बनाते हैं और कभी तरह तरह के उपहार बढ़ते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि जनता लगातार भारत जोड़ो यात्रा कैंसिल हो गई, खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में जो उनका घर था अमेठी, वहाँ नहीं गए, उत्तर प्रदेश में रायबरेली नहीं गए, आज उत्तर प्रदेश से दूरी बनाए हैं, क्योंकि आपने देखा राहुल गांधी की हकीकत, जनता ने किस तरीके से लोगों को, आप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में आज असर फैलाएंगे, प्रधानमंत्री को आप झूठा कहेंगे और हम आपके राहुल गांधी को नहीं कहेंगे। हमने कहा है सीना ठोक के, मैं फिर कह रहा हूँ कि उनको लगातार इसीलिए मंच बनाकर बैठाला जाता है कि जनता सिर्फ अपना मनोरंजन करे, ना उनका कोई जनता पे असर है और ना उनका कोई असर रहेगा। आप आने वाले चुनाव में भी देखेंगे राहुल गांधी का कोई असर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी बने, भाई बहने दोनों प्रभारी बने थे, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि उसका कोई असर नहीं, जनता जवाब दे रही है और हम जनता के नौकर हैं, हम जनता के समर्थक है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ आपके चैनल का। मानसिक विकार इनका, मानसिक दिवालियापन यही है, विकार इनका है, तरुण श्रीवास्तव, तरुण जी बोलिए अपनी बात पूरी करिए जी। हाँ देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हम राष्ट्रवादी पार्टी है, जो राष्ट्र को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं हम लोग जी। तो मैं इनको बता दूं कि रक्षा सौदे में इनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए थे ऑन कैमरा जी। तो ये तो बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है अच्छा। जो रक्षा सौदे में भी ये सौदा कर लेते हैं अच्छा। अब ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। अब अडानी के एयरपोर्ट पे गुजरात में जी, जब करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा गया तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई सीबीआई क्यों जांच क्यों नहीं हुई, ये कैसी राष्ट्रवादी पार्टी है अच्छा। जहाँ अपने ही हमारे ही नौजवानों को सप्लाई करने के लिए वो जगह जो पार्टी का मुख्यमंत्री जो है विदेश में जहाँ से इसलिए उतार दिया जाए कि वो नशे में है, तालिबान को इस बार मोदी सरकार ने बजट पर अनाज भेज देने का था। तर्णिमा जी अपना भी अतीत याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं नहीं आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं है, बोल रहे हैं पंजाब का मुख्यमंत्री आदरणीय मान सिंह जी जब विदेशी यात्रा पे जाते हैं तो उनको जहाज से उतार दिया जाता है, कितना सम्मान उनका बढ़ा और आम आदमी पार्टी का कितना नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर ग्राफ ऊंचा हुआ है। आप ये बताइए आप जान ही रही है आतंकवादी देश को आपने किस नाम किस लिए बजट निकाला और तालिबानी आपके युवाओं को खराब करने के लिए ड्रग्स भेज रहा है और वो भी अडानी के एयरपोर्ट से अच्छा। अडानी से ऐसी क्या दोस्ती है कि अडानी के हाथ ड्रग्स पकड़ा गया लेकिन तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों नहीं निकलने के अडानी को पूरा देश भेज दिया, आपने खेल भेज दिया, आप अडानी को ऐसा अडानी से मोदी जी का क्या रिश्ता है जो भेजे जा रहे हैं सामान अडानी को और अडानी क्या से ड्रग्स भी पकड़ा जा रहा है, सब कुछ हर उस नागरिक से रिश्ता है जो देश के विकास में हाथ बटाना चाहता है, जो देश को तोड़ने का काम करेगा अच्छा ये बताइए गुजरात में तो शराब आम आदमी पार्टी के नेता तो जहरीली शराब से वहाँ पर 200 लोग कैसे मर गए, आए दिन वहाँ पे जहरीली शराब से लोग कैसे मरते हैं, इसका मतलब भाजपा के लोग भाजपा के नेता
वहाँ पर जहरीली शराब बेचने का काम कर रहे हैं, कोई आपके पास राजस्व को घाटा हो रहा है, कोई आपके पास आपने आपने शराबबंदी करके राजस्व को घाटा दे रखा है। पंजाब में शराब के नशे में सारे पंजाब को आपने डुबो दिया है, वही शराब घंटा दिल्ली आ जाती है, कहीं स्कूल के सामने आपने शराब खाना खोल दिया, कहीं अस्पताल के सामने आपने शराब खाना खोल दिया, कहीं मस्जिद के सामने खोल दिया, कहीं गुरुद्वारे के सामने खोल दिया। आपने आपको पता है कि पंजाब जिस तरीके से नशे में है, चले आपके योगी जी को भी मंत्री ने पैसे का घोटाला कर लिया। स्कूल जो महिला स्कूल है, जो बालिका स्कूल है, वहाँ के खाने का पैसा मार लिया अपने अकाउंट में, तो उस पर सीबीआई नहीं बैठी, उस पर सीबीआई नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? क्योंकि वो भाजपा के नेता है, इसलिए सीबीआई नहीं बैठेगी। कर्नाटक में नेता के बेटे के यहाँ से अभी 80 करोड़ रुपए मिले ऑन कैमरा, पूरे पूरे न्यूज चैनल ने दिखाया, उसको बेल हो जाती है, उस भ्रष्टाचारी को बेल हो जाती है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री इतने बड़े देश के, उनके यहाँ पर 1 रुपए का घोटाला नहीं मिला, 1 रुपए नहीं मिला ऑन कैमरा सीबीआई, लेकिन उनकी जमानत नहीं हो रही। ये डरे हुए लोग हैं। अब इन्होंने सोचा देश के लिए तो हमने कुछ किया नहीं, हमने जनता के लिए कुछ किया नहीं, अब क्या करें? विपक्षियों का नाम खराब किया जाए, विपक्षियों का नाम खराब किया जाए, और विपक्षियों के लोगों से आज सीबीआई जबरदस्ती भेज रहे हैं, ईडी जबरदस्ती भेज रहे हैं। और ये दिल पे हाथ रख के ये भाजपा के प्रवक्ता भी कह दें, भाजपा के प्रवक्ता ये कह दें कि अगर मनीष सिसोदिया जी ने कोई घोटाला किया हो, कोई घोटाला नहीं है, ये बता भी नहीं पाएंगे आबकारी विभाग में घोटाला क्या हुआ, क्या हुआ है, इसे पूछ लीजिए। अगर ये बता पाए तो इन्हें मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई को ही नहीं मालूम घोटाला क्या हुआ। चलिए ठीक है, ठीक है। दिलीप यादव, दिलीप भाई जी, समीक्षा करने पहले आपकी आवाज मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ आई थी, बात पूरी नहीं हो पाई थी, अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। जी जी जी, देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे जो है संगठनात्मक रूप से जो है बहुत ही सशक्त है जी। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इनका जो मास्टरमाइंड है आरएसएस जी, उसके हर जो है एजेंडे में जो है क्या करना है, कब क्या करना है, कहाँ पे क्या बोलना है, वो पूरी तरह से वहीं से संचालित होता है। तो विपक्षी पार्टियों को जो है, जितनी भी विपक्षी पार्टी है, आपकी जो है आम आदमी पार्टी हो गए, राजद हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, इन लोगों को पहले अपने संगठनात्मक जो है ढांचे को मजबूत करना है और इनको बूथ लेवल तक जाना है, तभी ये 2024 का जो है जो इलेक्शन जीतने का सोच रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं, तो पहले इनको जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। एक चीज और है कि विपक्ष, चूंकि विपक्ष में जो है जो सरकार बैठी हुई है, वो विपक्ष को जो है कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, ये हमेशा जो है किसी न किसी प्रकार से जो है कार्रवाइयां कर रही हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए, जिससे जो है लोगों का मनोबल टूट रहा है। अगर जो है ये स्वतंत्र जो है हो के काम करें तो शायद ही जो है अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। और विपक्ष जो ईडी सीबीआई को भेज देते क्या बिना आधार जी? अच्छा आदमी देखिए, सिसोदिया साहब के पास, राबड़ी देवी के पास जो है, आखिर ये सब मुद्दे उठते क्यों हैं? अच्छा, इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं कोई लूप होल है। अच्छा, इसके वजह से ये वो करते हैं, ये जो वैमनस्यता की जो है राजनीति पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, आज अगर ये बो रहे हैं तो आने वाले समय में ऐसा तो नहीं है कि जो है अमरत्व के ये पार्टी अमर है और ये हारेगी नहीं, और ये चीजें जो है आगे चल के जो है दूसरी पार्टियां भी आएंगी तो इसी ढर्रे पे काम करेंगी। अच्छा, चाहे वो कांग्रेस की हो या गठबंधन की हो, तो जो ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन न्यायपालिका हो गई, इनपे जो है अपना वो थोपे, एकदम पूरी तरह से कर रही है, इन्होंने हस्तक्षेप किया है। अभी मैं बताऊं कि आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जो जी, है जी, टिकोनिया जो है प्रभात गुप्ता के हत्याकांड में जो है अभियुक्त हैं जी, आज तक जो है उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, कभी वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, केस को ट्रांसफर कराते हैं। अच्छा, और एक चीज और मैं बताऊं आपके माध्यम से बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का जो है
जौनपुर जिले का जिला अध्यक्ष का भाई जी। एक जो है मीडिया चैनल के भाई को जो है पत्रकार को देवेंद्र खरे को गोली मरवाता है। आप सोच लीजिए ये देश कहां जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो इन लोगों को जो है काम करने की जरूरत है। और एक हमारे जो भाजपा के जो है शमसी आजाद जी कह रहे थे हम सारी चीज हम सीटों पे जीतेंगे और जीतेंगे अगर परसेंटेज। अरे सुनिए शमसी आजाद जी, देवेंद्र खरे जी ने वो कहीं पर भी साबित नहीं हुआ है, ये जांच का विषय है। अरे शमसी आजाद, अरे आपके कहने पर एफआईआर हो गई है दर्ज। आप ही एफआईआर हुई तो उसको जो है गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, आप गिरफ्तार नहीं करते हो? आरोप लगाने के पीछे आप देवेंद्र खरे की बात कर रहे हैं तो आप पत्रकार हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। नहीं होगा तो हमारे भी वो बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, लखनऊ में भी रहे, जौनपुर में भी रहे हैं और हमारा भी जो है संबंध जौनपुर से ही है। तो मैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के राजनीतिक सारे चक्रों से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो अमन चैन चल रहा है उसको बिगाड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि 2024 और इन्वेस्टर सब सुनिए, आप अगर जौनपुर के रहने वाले हैं शमसी साहब तो क्यों जो है उसके जो है ऑफिस पे मारा गया वो व्यक्ति जो है उससे पहले जो है एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति रहा है अध्यक्ष रहा है, आपस में गाड़ी टकरा गई तो ऋतुराज सिंह ने जो है क्यों उससे जो है उसको मीडिया में चलाने के वजह से जो है क्यों जो है धमकियां देने चालू कर दिया? आप जो है कहां पे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? इन बातों का कोई सबूत नहीं है, उसके ऊपर गोली चली है, सारे सबूत हैं, आप लोग जो है अपनी बातें जो है आप ही जज बनते हैं, आप ही जो है फैसला सुना देते हैं। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक विश्लेषक के मैटर में जो है इनको दखल देना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं कोई चीज कह रहा हूँ तो उसको सुने। और दूसरी बात ये, आप आरोप लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने लगेंगे तो आपको जरूर बोला जाएगा। आप पत्रकार होके अगर किसी जो है विशेष जाति की बात करेंगे या विशेष पार्टी का, पत्रकार का काम है कि सच को आईना दिखाए। आपको आईना दिखाए कि वास्तव में आप क्या कर रहे हैं। सच का आईना आपने 12 से 17 तक मीडिया हमेशा उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। मीडिया हमेशा विपक्ष के भूमिका में होना चाहिए। सम्मान है आपका। ठीक है गौरव जी, बोलिए गौरव जी। इनका जो है निश्चित तौर में जो है संगठनात्मक मजबूती है, लेकिन जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई, इनके जो है बेरोजगारी की बात हो गई, चिकित्सा सेवाओं की बात हो गई, तो वहां पे सारा का सारा जो है ये कोरा कागज पे जो है जो लिखा हुआ है बस वही है हकीकत, जमीनी हकीकत ये है कि जो है कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इनकी नीयत ठीक है। आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी महत्वपूर्ण कि 24 के लेकर किस तरह तैयारी चल रही है, संगठन में बैठकों का दौर जारी है और अधिवेशन और कार्यकारिणी बैठक के माध्यम से यहाँ पर 24 की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आने वाला समय किसका होगा, किसका परचम लहराएगा और जनता जनार्दन किसको जनाधार देगी वो तो भविष्य के गर्भ में निहित है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो उस पर संतोष भी जताना चाहिए, क्योंकि धुआं वहीं निकलता है जहां पर चिंगारी होती है। अगर चिंगारी नहीं होगी तो धुआं की कल्पना करना भी व्यर्थ है। पर इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के बीच में भी संघर्ष करना जरूरी है। विपक्ष की भूमिका जनता के बीच होनी चाहिए, संघर्ष करने की होनी चाहिए। अगर सरकार कुछ बेहतर नहीं कर रही है तो उसका विरोध करना भी काम विपक्ष की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, मौलिक भी और संवैधानिक जिम्मेदारी। केवल विधायक लेके बैठना, सदन में अपनी बात रखना ही केवल विपक्ष की भूमिका नहीं, बल्कि सड़क पर उतरकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना भी विपक्ष की भूमिका है। अगर वास्तव में इसका निर्वाह करेंगे तो वास्तव में बदलाव भी हो सकता है, अन्यथा जो परंपरा चल रही है वो चलती रहेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।